अंडरपास की मांग को लेकर आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों ने निर्माणाधीन नांगल चौधरी निजामपुर बाईपास पर लगाया जाम, लगा अंडरपास की मांग की। आपको बता दें कि निजामपुर नांगल चौधरी रोड से 148 बी NHI को मिलाने के लिए बाईपास का निर्माण कार्य जारी है, जिस पर जैनपुर सहित आधा दर्जन गाँव के ग्रामीणों ने अंडरपास की मांग को लेकर जाम लगाया। नारनौल से हमारे संवाददाता गुलशन कुमार की रिपोर्ट। हमारा जो 148 बाईपास है, इसको हमारे इसके जो लगभग 10-15 गांव इस पर कॉन्ट्रैक्ट तय करते हैं, इन गांवों को मिलाने के लिए इनके अंडरपास की मांग है। जो अंडरपास होने के लिए ही हमारी मांग है। हम इधर से हमारे घूमने के लिए लगभग या तो इसके अंडरपास किया जाए या पुणे की व्यवस्था की जाए। गद्दारों से हमारी इनसे बात हुई, इन्होंने ये कहा कि हमारे को मना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई परमिशन जब तक ऊपर से अथॉराइज नहीं आएगा। इसी मुद्दे से हमारी भी मांग है और उसी भी हमारी मांग है कि यहाँ हमारे लिए उनसे हम बातें कर रहे हैं और भी मिल रहे हैं, संपर्क में है। इस रोड के ऊपर 10 गाँव के बच्चे आते हैं पढ़ने, बच्चियाँ आती हैं छोटी छोटी। मेन रोड है, नार रोड जाता है, इसमें यहाँ अंडरपास नहीं बनाया, ये गलती है। और नई सर्विस रोड है, हम अंडरपास की मांग करते हैं। ये गांव है जैनपुर, मौसमपुर, बिहारीपुर, आंतरी, छापड़ा, कमानिया, पिपानांगल, खातोली और दोंगली। इधर आया ही नहीं, उसके कार्यकर्ता थे, हम यहाँ बैठे आके वो चले गए यहाँ से। उन्होंने नटिया है कि नहीं बनेगा, वो कह रहे नहीं बनाएंगे। ये जाम जो ग्रामीणों ने लगाया है, ये बाईपास जो नया बाईपास बन रहा है उसके अंडरपास आते हैं। अंडरपास से ये जो ये 5 गांव है, जैनपुर, मौसमपुर, बिहारीपुर, आंतरी, छापड़ा, बीबीपुर, तो इनके ग्रामीण लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ अंडरपास बने, इसलिए इन पांचों गांवों की 5 आदमी कमेटी बनाई गई है। इस आश्वासन पर ये आज यहाँ से हटाए गए हैं और ये कहा गया है कि आपको DC साहब से मिलाएंगे। तो